इस वीडियो में हम रैंगलर जीप को रिव्यू करेंगे और इसके वेरिएंट का नाम JL अनलिमिटेड रूबिकन प्लस है। जीप कंपनी की हिस्ट्री 1941 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर से स्टार्ट होती है, जब पर्पस बिल्ड 4x4 जीप्स को US फ्रंटलाइन सोल्जर्स के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया। फिर कुछ ही अरसे में ये जीप्स बैटलफील्ड से कमर्शियल यूज में ट्रांजिशन कर गई। चूंकि वक्त के साथ साथ इनकी टेक्नोलॉजी इंप्रूव करती गई, लिहाजा आज ये जीप्स दुनिया भर में बहुत ही पसंद की जाती हैं, क्योंकि रोड कंडीशंस कैसी भी हों ये आपको कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करेंगी। इस वीडियो में हम उन तमाम फीचर्स को हाईलाइट करेंगे जो इसमें ऑफर किए जा रहे हैं। इसके अलावा इंटीरियर और एक्सटीरियर को भी डिटेल से रिव्यू करेंगे। इसमें 3.6 लीटर V6 इंजन ऑफर किया जा रहा है, जिसकी आउटपुट 285 हॉर्स पावर और इसका टॉर्क 353 न्यूटन मीटर्स है। ये एक फोर व्हील ड्राइव जीप है जिसमें 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑफर की जा रही है। इस गाड़ी की पावर का अंदाजा आप इस चीज से लगा लें कि इसका अपना वेट तकरीबन 1900 केजी है और ये 1600 केजी का वेट टो कर सकती है। इस तरह ये टोटल वेट तकरीबन 3500 किलोग्राम बनता है। डे टाइम रनिंग लाइट और टर्निंग लाइट को फेंडर पे इंस्टॉल किया गया है। इसमें LED रिफ्लेक्टर हेडलैम्प्स ऑफर किए जा रहे हैं, जो रोशनी के मुताबिक ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ हो सकते हैं। इसके अलावा इनमें फॉलो मी होम का फीचर भी ऑफर किया गया है। इसका फ्रंट बम्पर स्टील से बना हुआ है, जिसमें फॉग लैम्प्स भी इंस्टॉल्ड हैं और बम्पर के नीचे स्किड प्लेट्स भी लगाई गई हैं, जो कि इसकी मजबूती में मजीद इजाफा करती हैं। रेंगलर जीप में कुछ ऑप्शनल फीचर्स भी ऑफर किए जा रहे हैं, जिनमें इंटीग्रेटेड ऑफ रोड फ्रंट कैमरा और फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग सिस्टम सरफहरिस्त हैं। गाड़ी खरीदते वक्त आप अपनी मर्जी के ऑप्शनल फीचर्स को इसमें ऐड करवा सकते हैं। फ्रंट बम्पर में बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म की हुक्स भी दी गई हैं, जो किसी गाड़ी को टो करने के काम आ सकती हैं। इसकी फ्रंट ग्रिल क्लासिक डिजाइन में है, लेकिन ये क्लासिक डिजाइन ही इसकी असल खूबसूरती है। इसकी ग्राउंड क्लीयरेंस 10.9 इंचेस है। इसमें हैवी ड्यूटी सस्पेंशन के साथ फोर व्हील हैवी ड्यूटी डिस्क ब्रेक्स भी ऑफर की गई हैं और ब्रेकिंग सिस्टम ABS है। बोनट पर मौजूद इन लैचेस की मदद से बोनट को ओपन या क्लोज किया जा सकता है। बोनट पर एयर वेंटिलेशन ग्रिल्स भी दी गई हैं, जो कि एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग के दौरान इंजन को कूल रखने में मदद करती हैं। रिमोट कंट्रोल की मदद से आप इंजन को स्टार्ट या स्टॉप कर सकते हैं और इसमें एंटी थेफ्ट इंजन इमोबिलाइजर का सिस्टम भी ऑफर किया गया, जो कि गाड़ी को चोरी होने से बचाता है। फेंडर्स के नीचे स्टील की मोल्डिंग दी गई है, जो कि इसकी मजबूती में मजीद इजाफा करती है। 17 इंचेस अलॉय व्हील्स के साथ मड टेरेन टायर्स ऑफर किए गए हैं। ये टायर्स आम टायर्स की निस्बत ज्यादा ट्रैक्शन प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से टफ ट्रेल्स पे भी आप एक्सट्रीम लेवल की ऑफ रोडिंग कर सकते हैं, चाहे वो मड सरफेस हो या स्टीप सरफेस। इसकी व्हील बेस 3008 mm है, जो कि तकरीबन 3 मीटर बनती है। इसकी लेंथ 4.78 मीटर्स, विड्थ 1.87 मीटर्स, जबकि हाइट 1.86 मीटर्स है। साइड प्रोफाइल पे जीप रैंगलर और रूबिकन की ब्रांडिंग भी मौजूद है। इसके साइड मिरर्स पावर्ड हैं, जिनमें हीटिंग का फंक्शन और टर्निंग लाइट भी मौजूद है। इसके डोर्स को आप इजीली रिमूव कर सकते हैं, जिसके लिए टूल किट गाड़ी के साथ ही ऑफर की गई है। कीलेस एंट्री के लिए इसके डोर पे स्मार्ट बटन भी दिया गया है, जबकि की मदद से भी आप गाड़ी को लॉक या अनलॉक कर सकते हैं। रेंगलर में हिल डिसेंट कंट्रोल और हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल के फीचर्स भी मौजूद हैं। फ्यूल टैंक की कैपेसिटी 81 लीटर है। इसमें LED टेल लाइट्स ऑफर की गई हैं, जो साइज में स्मॉल हैं लेकिन सिंपल और एलिगेंट लगती हैं। रियर प्रोफाइल में फॉग लैम्प्स, पार्किंग सेंसर्स और सिंगल टोइंग हुक भी दी गई है। अलॉय व्हील्स के साथ फुल साइज में स्पेयर टायर ऑफर किया गया है। इसमें रियर पार्किंग कैमरा भी इंस्टॉल्ड है, जो कि स्टीयरिंग मूवमेंट के साथ गाइडेड लाइंस की मदद से आपको पार्किंग में असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। इसमें रियर वॉशर, रियर वाइपर और हाई लेवल ब्रेक लाइट भी अवेलेबल है। बैक डोर को ओपन करने के लिए भी डोर हैंडल पे स्मार्ट एंट्री का बटन मौजूद है। रेगुलर का इंटीरियर इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आप इसे सिंपली वॉश कर सकते हैं। इसमें ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन का फीचर मौजूद है, लिहाजा अगर कोई व्हीकल राइट, लेफ्ट या बैक साइड से आपकी रेंज में आएगी तो इसके साइड मिरर्स पे वार्निंग साइन डिस्प्ले हो जाएगा।
इसी तरह इसमें क्रॉस पाथ डिटेक्शन का फीचर भी अवेलेबल है, लिहाजा अगर आप गाड़ी रिवर्स कर रहे हैं और रियर में कोई भी व्हीकल आपकी तरफ अप्रोच कर रही है तो साइड मिरर पे वार्निंग साइन अपीयर हो जाएगा। इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम ऑफर किया गया है जिसमें ट्रैक्शन कंट्रोल और हाइड्रोलिक ब्रेक असिस्टेंस के फीचर्स भी मौजूद हैं। डिफिकल्ट ऑफ रोडिंग ड्राइविंग सिचुएशंस के लिए इसमें स्पीड कंट्रोल का फीचर भी ऑफर किया गया है जिसमें आप लो गियर में गाड़ी की स्पीड को 1-5 माइल्स पर आवर तक सेट कर सकते हैं और गाड़ी ऑटोमेटिकली ब्रेक्स और थ्रॉटल कंट्रोल की मदद से मूव करेगी। इसका इंटीरियर रेड और ब्लैक कलर में ऑफर किया गया है और डोर्स में स्टोरेज के लिए नेट पॉकेट्स भी मौजूद हैं। इसकी टॉप स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर है। इसमें कलर्ड इन्फॉर्मेशन क्लस्टर ऑफर किया गया जिसकी ब्राइटनेस को आप अपनी मर्जी के मुताबिक एडजस्ट भी कर सकते हैं। स्पेशली ऑफ रोडिंग कंडीशन के अंदर फ्रंट पैसेंजर इस हैंडल को होल्ड करके अपना बैलेंस मेंटेन कर सकता है। इसका ग्लव बॉक्स स्मॉल साइज का है जिसे आप कार की मदद से लॉक या अनलॉक भी कर सकते हैं। रेंगलर के साथ आपको एक टूल किट दी जाती है जिसकी मदद से बआसानी आप इसकी रूफ को रिमूव कर सकते हैं। जीप्स की लेगेसी को बरकरार रखते हुए इसमें ट्रेडिशनल हैंड ब्रेक ऑफर की गई है। फ्रंट पैसेंजर्स के लिए कप होल्डर्स भी मौजूद हैं। चूंकि ये फोर व्हील ड्राइव जीप है लिहाजा इसमें मल्टीपल मोड्स दिए गए हैं जिसमें 2H, 4H ऑटो, 4H पार्ट टाइम और 4L मोड्स शामिल हैं। इसके अलावा इसमें 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑफर की गई है और गियर नॉब पे जीप का लोगो भी मौजूद है। इसमें ना सिर्फ डिफरेंशियल लॉक का फीचर मौजूद है बल्कि ऑफ रोड प्लस का ऑटोमेटिक ड्राइविंग मोड भी अवेलेबल है। इसमें स्वे बार का फीचर भी ऑफर किया गया है जो कि ऑफ रोडिंग या एक्सट्रीम कॉर्नरिंग के दौरान गाड़ी को स्टेबल रखने में मदद करता है। इसमें ना सिर्फ पुश स्टार्ट का बटन मौजूद है बल्कि रिमोट कंट्रोल की मदद से भी आप गाड़ी के इंजन को स्टार्ट या स्टॉप कर सकते हैं। मीडिया कनेक्टिविटी के लिए इसमें ऑक्स और यूएसबी सॉकेट भी मौजूद है। डुअल जोन टेम्परेचर कंट्रोल के साथ इसमें ऑटोमेटिक एयर कंडीशनिंग सिस्टम ऑफर किया गया है। ऑडियो सिस्टम को ऑन ऑफ या म्यूट करने के बटन्स भी इसी पैनल में दिए गए हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल का फीचर भी ऑफर किया गया है। इसमें लेदर स्टीयरिंग व्हील ऑफर किया गया है जिसे आप ड्राइविंग स्टाइल के मुताबिक एडजस्ट भी कर सकते हैं। इसमें क्रूज कंट्रोल का फीचर मौजूद है जिसे आप एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल में अपग्रेड भी करवा सकते हैं। ऑडियो कंट्रोल और वॉइस कमांड के बटन्स भी स्टीयरिंग व्हील पर मौजूद हैं। इन बटन्स की मदद से आप हेडलाइट्स को ऑन ऑफ या ऑटो मोड पे यूज कर सकते हैं, हेडलाइट्स की हाइट को इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन क्लस्टर की ब्राइटनेस को भी कंट्रोल कर सकते हैं। एयरबैग्स सिर्फ ड्राइवर और फ्रंट पैसेंजर के लिए ऑफर किए गए हैं। इसमें 8.4 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑफर किया गया जिसमें ना सिर्फ नेविगेशन मौजूद है बल्कि ये एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो को भी सपोर्ट करता है। इसके साथ 9 एल्पाइन स्पीकर्स, ऑल वेदर सबवूफर और 552 वॉट्स का एम्पलीफायर भी कनेक्टेड है। फ्रंट पैसेंजर्स के लिए सेंट्रल आर्मरेस्ट मौजूद है जिसमें स्टोरेज स्पेस और चार्जिंग सॉकेट भी अवेलेबल है। आइए अब इसकी रियर सीट्स को रिव्यू करते हैं। अपेरेंटली इसकी लेग स्पेस कम लग रही है लिहाजा इसमें हम बैठ के देखेंगे कि इसका लेग रूम कैसा है। इसमें प्रीमियम क्वालिटी की लेदर सीट्स ऑफर की गई हैं जिनमें हेडरेस्ट और सेंट्रल आर्मरेस्ट भी मौजूद है। रियर पैसेंजर्स के लिए 220 वोल्ट पावर सप्लाई, मल्टीपल चार्जिंग सॉकेट्स और एसी वेंट्स भी मौजूद हैं। अगर आपकी हाइट एवरेज से ज्यादा है तो रियर सीट्स आपके लिए काफी कंजेस्टेड हैं। ऑडियो सिस्टम के साउंड को एंजॉय करने के लिए बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के स्पीकर्स ऑफर किए गए हैं। रियर पैसेंजर्स के लिए रीडिंग लाइट भी अवेलेबल है। कार्गो कंपार्टमेंट लार्ज साइज का है जिसमें बहुत ज्यादा लगेज इजीली कैरी किया जा सकता है और रियर सीट्स को फोल्ड करके इस कैपेसिटी को आप फर्दर एनहांस भी कर सकते हैं। रेंगलर जीप के इस मॉडल की करंट प्राइस 245K सऊदी रियाल है जिसमें 15% टैक्स भी शामिल है। पाकिस्तानी रुपयों में ये अमाउंट 10 मिलियन रुपीज़ बनती है। इस रिव्यू को समराइज करते हुए अगर मैं इस गाड़ी के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स की बात करूं तो पॉजिटिव पॉइंट्स में इसकी शेप, इसके फीचर्स, ड्यूरेबिलिटी, ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी और इसकी ब्रांड वैल्यू सरे फहरिस्त हैं। और अगर इसके नेगेटिव पॉइंट्स की बात की जाए तो मेरी नज़र में इसके 3 मेन नेगेटिव पॉइंट्स हैं। नंबर 1, इसकी एक्सट्रीमली हाई प्राइस।
नंबर दो रियर सीट्स के लिए ऑफर की गई कंजेस्टेड लेग स्पेस और तीसरा इसमें ऑफर किए गए एयरबैग्स जो कि सिर्फ ड्राइवर और फ्रंट पैसेंजर के लिए हैं जबकि रियर पैसेंजर्स के लिए एयरबैग्स ऑफर नहीं किए गए। क्या आपकी नज़र में इसके अलावा इसका कोई और काबिल जिक्र नेगेटिव पॉइंट है? काइंडली कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए। हम दोबारा हाजिर होंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।